तेलंगाना विधानसभा की कामारेड्डी सीट से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर हार गए हैं। यहां केसीआर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को उतारा था, लेकिन रेवंत रेड्डी भी यहां से हार गए हैं। तो फिर किसने इन दोनों कद्दावर नेताओं को हराया है? उनका नाम है कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी। कटिपल्ली ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा। कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी को 66,652 वोट मिले। कटिपल्ली ने सीएम केसीआर को 6,741 मतों से हराया। दूसरे नंबर पर रहे केसीआर को 59,911 वोट मिले। तीसरे नंबर पर हैं तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, इन्हें मिले 54,916 वोट। बताते चले कि केसीआर ने कामारेड्डी के अलावा गजवेल सीट से भी चुनाव लड़ा। इस सीट पर केसीआर बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी कामारेड्डी के अलावा कोडंगल सीट से पर्चा भरा था। कोडंगल से रेवंत रेड्डी चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 1,07,429 वोट मिले। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने रमना रेड्डी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मिलिए बीजेपी के कटिपल्ली वेंकट रमना, जो इस चुनाव में सबसे बड़े धुरंधर साबित हुए, जिन्होंने तेलंगाना के कामारेड्डी से मौजूदा सीएम केसीआर और होने वाले सीएम जैसे की उम्मीद है रेवंत रेड्डी दोनों को हराया है। बीजेपी न सिर्फ लोकसभा में बड़ी जीत हासिल करेगी बल्कि अगली बार तेलंगाना में भी सत्ता में आएगी। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। 2004 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सरकार के दौरान तत्कालीन निजामाबाद जिले में मंडल परिषद के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद जिला परिषद के सदस्य बने। उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर काम भी किया। वाईएसआर के निधन के बाद रमना स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व से अलग हो गए और 2014 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस, जिसका नाम अब बीआरएस है, उसका समर्थन किया। बाद में बीआरएस की ओर से उन पर एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। इस विवाद के बाद 2018 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने तब कामारेड्डी सीट से ही चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार 2023 के चुनाव में वेंकट रमना ने दो दिग्गजों केसीआर और रेवंत रेड्डी को मात दी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद केसीआर की पार्टी बीआरएस सूबे में अपनी जमीन खो चुकी है। इस वीडियो के बनाए जाने तक 119 सीटों वाले तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटों पर बढ़त बना ली है, 61 सीटें जीत ली है और 3 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं बीआरएस ने 39 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, 33 सीटें वो जीत चुकी है और 6 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी ने यहाँ 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को यहाँ 5 सीटों पर जीत मिली है और 2 सीटों पर वो लीड कर रही है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी खाते में 1 सीट गई है। अब इस नेता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुरभि ने। मेरा नाम सोनल है। चारों ही राज्यों के और जो 5वां राज्य मिजोरम, उस पर कल हमारी नजर बनी रहेगी। तो आप लल्लन ड्रॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।